गाइस आज रात का सीन कुछ मत बनाइएगा क्योंकि आज 9 बजे से ही एंटरटेनमेंट की रात शुरू हो जाएगी। आज रात को कोई भी प्लान है आपके तुरंत कैंसिल कर दीजिए क्योंकि आज रात को एंटरटेनमेंट का इतना जोरदार तड़का लगेगा कि आप खुद ही अपनी टीवी स्क्रीन के आगे से नहीं उठेंगे। 137 दिन के लंबे इंतजार के बाद फाइनली फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 आज रात खत्म हो जाएगा। आज बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले है और ये ग्रैंड फिनाले काफी ग्रैंड होने वाला है। आप सब जानते हैं ग्रैंड फिनाले को काफी देर तक धमाके होते हैं, कई गेस्ट घर के अंदर आते हैं, कुछ स्पेशल टास्क यहाँ पर दिए जाते हैं, घर की बत्तियां बुझने से पहले तक धमाके होते रहते हैं। जो टॉप कंटेस्टेंट्स बचे हैं उनकी स्पेशल परफॉर्मेंस आपको नजर आती है। तो फिलहाल आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की भी ऐसी ही परफॉर्मेंस आपको नजर आने वाली है। ठीक सुन रहे हैं आप, ये कपल जो लगातार चर्चा में है, हिमांशी ने अपना 9 साल का रिश्ता तोड़ दिया है, आसिम के साथ प्यार को स्वीकार कर लिया है, आसिम हिमांशी के इंतजार में है, उनका स्कार्फ हाथ पर बांध कर उनका परफ्यूम लगाकर कुछ ऐसी ही आशिकों वाली हरकतें करते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल आसिम रियाज और हिमांशी खुराना आज रात को अपने फैंस को देने वाले हैं कौन सा सरप्राइज। #असीमांशी असीमांशी वाले जो फैंस हैं उन्हें ग्रैंड फिनाले में आसिम हिमांशी की तरफ से कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है विद अ वेरी स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अस। ग्रैंड फिनाले के ग्रैंड सेलिब्रेशन के ग्रैंड परफॉर्मेंस से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको जानने के लिए मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में। टेक अ लुक। आप सब जानते हैं बिग बॉस सीजन का ग्रैंड फिनाले काफी ज्यादा धमाकेदार होता है और इस सीजन का ग्रैंड फिनाले भी काफी ज्यादा धमाकेदार ही होगा। एज यू ऑल नो फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 लगातार वैसे भी चर्चा में रहा। फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 को लेकर लगातार कई तरह की खबरें भी आई और आज फाइनली इसका धमाकेदार ग्रैंड फिनाले आप सभी के सामने आने जा रहा है। इस ग्रैंड फिनाले में आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की जबरदस्त केमिस्ट्री आप सभी को दिखाई पड़ेगी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं ग्रैंड फिनाले को लेकर, सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं शो के धमाकेदार ग्रैंड फिनाले को लेकर, वो आप सबके लिए काफी ज्यादा ही खुशखबरी है क्योंकि आसिम और हिमांशी का एक बेहद खूबसूरत सा क्लिप वायरल होते हुए लाखों लोगों द्वारा देखा जा चुका है। ये क्लिप लाखों लोग देख चुके हैं। बता दें आपको, इस क्लिप में आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की पूरी जर्नी दिखाई जा रही है। जी हाँ, इस क्लिप में हिमांशी खुराना बेहद प्यारी लग रही हैं। आसिम घुटनों पर बैठकर हिमांशी को प्रपोज करते हैं, हिमांशी को अंगूठी पहनाते हैं। बिग बॉस के ट्विटर हैंडल पर इसे शेयर किया गया है। पहले तो ये दोनों मेरे सोनिया वे सोनिया गाने पर रोमांटिक सा डांस करते हैं और उसके बाद आसिम हिमांशी को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करते हैं। लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस रोमांटिक डांस वीडियो पर दे रहे हैं। बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले का सबसे बड़ा ये अपडेट है जो इस तरह से सामने आया है। बता दें आपको, परफॉर्मेंस तो हर बार होते हैं, इस बार भी होंगे, लेकिन इस बार के परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा खास जानते हैं क्या होने वाला है गाइज। इस बार के परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा स्पेशल होगा स्टोरी टेलिंग वाला कॉन्सेप्ट। हर कंटेस्टेंट की जो जो रही है स्टोरी, तो आसिम और हिमांशी का मिलन किस तरह से हुआ, ये दोनों अपनी स्टोरी की तरह दिखाएंगे। कुछ गानों को चूज किया गया है, इनकी परफॉर्मेंस पर खासा मेहनत की गई है और इन्हीं सबके बीच में आसिम और हिमांशी की लव स्टोरी जब शुरू होगी तो दिखाया जाएगा किस तरह से वाइल्ड कार्ड के तौर पर हिमांशी घर के भीतर आई, किस तरह से आसिम और वो दोस्त थे, आसिम को हिमांशी से प्यार हो गया, बार बार आसिम हिमांशी के प्रति अपना प्यार जताते रहे, बार बार हिमांशी आसिम को इग्नोर करती रही, हिमांशी किस तरह पहले से किसी और के साथ कमिटेड थी,
लेकिन घर से बाहर आने के बाद कैसे हिमांशी को प्यार का इजहार हुआ, कैसे हिमांशी वापस घर के भीतर गई कनेक्शन वीक के दौरान और उन्होंने आसिम को आई लव यू कहा। प्यारे प्यारे रोमांटिक गानों की मदद से ये बेहद प्यारा सा डांस परफॉर्मेंस है आसिम और हिमांशी का, जिसे तैयार किया गया है और ये बेहद प्यारा सा डांस परफॉर्मेंस आप सभी को नजर आएगा आज रात 9 बजे। बता दे आपको, बिग बॉस सीजन 13 से हिमांशी तो बाहर आ गई, लेकिन बाहर आने के बाद भी उन्होंने लगातार आसिम रियाज को सपोर्ट किया है। घर से बाहर आने के बाद हिमांशी ने लगातार आसिम के लिए अपना प्यार दिखाया है। वैलेंटाइन वीक के दौरान भी उन्होंने आसिम रियाज के लिए प्यारी प्यारी बातें की हैं, जिनसे पता चलता है कि घर से बाहर हुई हिमांशी फिलहाल आसिम के साथ अपने रिश्ते को काफी ज्यादा आगे लेकर जाने वाली है। बता दे आपको, बिग बॉस सीजन 13 जीतने के डिजर्विंग कैंडिडेट्स में आसिम का नाम काफी ऊपर आता है। लोग आसिम को बिग बॉस का विनर बनते हुए देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि आसिम रियाज को सरप्राइज देने, उन्हें सपोर्ट करने बिग बॉस के घर में उनकी लवर हिमांशी के साथ उनके पापा भी आने वाले हैं। उनके पापा ने सोशल मीडिया के जरिए कलर्स टीवी और बिग बॉस का शुक्रिया अदा किया इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो फिलहाल कितने एक्साइटेड हैं आप इस बेहद खूबसूरत से परफॉर्मेंस के लिए, बेहद खूबसूरत से ट्रैक के लिए और आसिम रियाज को विनर बनते देखने के लिए? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।